आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में टॉप ट्वेंटी कंप्यूटर का क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट होगा जेएसएससी जे के एग्जाम के लिए जो कि आने वाले जेएसएससी के जितने भी एग्जाम्स है उसमें कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया तो विंडोज क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ से आपको एक चीज याद रखना हमेशा विंडोज किसके का एग्जाम्पल है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है और ये किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चार कंपनियों का नाम दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया आईवीएम के द्वारा विकसित किया गया एचपी के द्वारा विकसित किया गया या एल एंड एल एंड द्वारा विकसित किया गया तो आपको बता दे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हम लोग आज के डेट में मैक्सिमम कंप्यूटर में करते हैं जहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ रहता है वो तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया रहता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दिया रहता है और आज के डेट में कर विंडोज का कौन सा वर्सन चल रही है तो विंडोज 11 आज के डेट में नया वर्सन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज जी जी यू आई वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा जी यू आई वेस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो GUI का फुल फॉर्म क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो चार ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया हुआ है यहाँ पर उनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड है ये आपको पता करना है तो चार ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है एमएस डॉस एमएस विंडो यूनिक्स एंड ऑल ऑफ दीज तो आपका जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है एमएस विंडो जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है जो कि आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बेस पर रन करती है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है इससे पहले हम बता दिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं कि विंडो किसका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है हार्डवेयर का एग्जांपल है या एक्टिव डेस्कटॉप का एग्जांपल है इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि विंडोज किसका एग्जाम्पल है नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंडो इज ए इस क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से घुमा घुमा करके पूछा जा सकता है इसलिए एक दो बार आपको रिपीट देखने को मिल सकती है कि विंडो क्या है व्हाट इज विंडो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक डेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो ये क्वेश्चन आपका इसरो के एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इस क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं और आपका जेएसएससी में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है तो विंडो जो है आपका किस प्रकार किस विंडो क्या है विंडो इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है सॉफ्टवेयर यानी विंडोज एक सॉफ्टवेयर है विंडो एक हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों है या कोई नहीं है तो कंप्यूटर में विंडोज का स्थान किस में आएगा सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आएगा किस में आएगा सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आएगा इससे पहले एक वीडियो है कंप्यूटर से रिलेटेड जहाँ पर हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन सारे चीजों के लेकर के एक लाइव सेशन किए थे उस सेशन को आप देख लीजिएगा तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है क्या नहीं होता है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये सारा चीजें आपको पता चल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विच ऑफ द इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चार ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको दिया हुआ है इन चार ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम में ऑपरेट करती है इस ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है कि मैक ओ एस एक्स लाइनोक्स विंडोज सेवन या विंडोज सी विंडोज सी को फुल फॉर्म क्या कॉम्पैक्ट इम्बेडेड कॉम्पैक्ट है तो आपको बता दें कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है वो कौन सा है विंडोज सी कौन सा विंडोज सी एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विंडोज 95, फाइव विंडोज नाइनटी और विंडोज एंटी ये सारे विंडोज की वर्सन है विंडोज 95, फाइव विंडोज नाइन्टी और विंडोज नाइनटी डैश के नाम से जाना जाता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं तीन सारे को विंडोज के जितने भी फांशन है सभी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे आपसे विंडोज 10 पूछे चाहे आपसे विंडोज 11 पूछे तो सारा का सारा आपका किस खेल किस कैटेगरी में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के कैटेगरी में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है कैसे फंक्शन करती है इसके लिए इसके लिए आपको जो पहला लाइव सेशन हम लिए थे उस सेशन को आप देख लीजिएगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक टर्म है वो आपका क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डैश से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं यानी कौन सा एक्टिविटी करके आप कंप्यूटर में कोई किसी भी स्क्रीन को या किसी भी प्रोग्राम को आप लीव कर सकते हैं आप कंप्यूटर को बूट करेंगे या प्रोग्राम में जाएंगे फोल्डर में जाएंगे या एग्जिट करेंगे तो किसी भी प्रोग्राम या किसी भी स्क्रीन को छोड़ने के लिए आपको कहां जाना होगा आपको एग्जिट एक्टिविटी करना होगा कौन से एक्टिविटी करना होगा एग्जिट तो जैसे आप एग्जिट करेंगे तो आप किसी भी स्क्रीन या प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे यानी कि उस प्रोग्राम या स्क्रीन को आप क्लोज कर देंगे तो याद रखिएगा प्रोग्राम या स्क्रीन को छोड़ने के लिए आप कौन सा एक्टिविटी करेंगे तो एग्जिट करेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सेवन में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट है तो अभी फिलहाल विंडोज इलेवन चल रही है बट यहाँ आपसे विंडोज सेवन के बारे में पूछा गया है और विंडोज सेवन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज सेवन इसमें इंडियन लैंग्वेज के कितने फॉन्ट अवेलेबल है ये आपसे पूछा जा रहा है तो विंडोज सेवन में जो फोर्टी नाइन फॉन्ट अवेलेबल है जो इंडियन लैंग्वेज पर है किस पर है इंडियन लैंग्वेज का फोर्टी नाइन फॉन्ट आपका विंडोज सेवन में अवेलेबल है नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विंडोज सेवन किसका एग्जाम्पल है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक ब्राउजर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम का या एक शेयरवेर का तो इससे पहले हम बता चुके हैं बार बार कि विंडोज किसका एग्जाम्पल है विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है तो विंडोज डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की द्वारा ना कि आईवीएम ना कि इंटेल ना कि एप्पल विंडोज को जो डेवलप किया गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को जो डेवलप किया गया किसके द्वारा किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया सो दैट विंडोज का जो ओनर होगा क्यों ऑन होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ओनर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विंडोज थ्री का जो वर्सन था वो कब जारी किया गया था नाइनटीन में जारी किया गया था नाइनटीन में जारी किया गया था या नाइनटीन में जारी किया गया था या नाइनटीन में जारी किया गया था

एंड्रॉइड टेन से एंड्रॉइड इलेवन हैं मोबाइल को अपग्रेड करते हैं क्या करते हैं मोबाइल को अपग्रेड करते हैं उसी प्रकार से विंडोज विंडोज 98 के बाद आया था तो आप जब विंडोज 98 से विंडोज एट की ओर जाएंगे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं अपना सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपग्रेड कर रहे हैं जब आप विंडोज नाइनटी से विंडोज एक्सपी की ओर आप जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता नहीं है यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है उसका कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है उनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स ये नहीं है चार आपका विशेषता दिया हुआ है कि विंडोज एप्लीकेशन में आपको मेनू पाया जाता है हेल्प पाया जाता है सर्च पाया जाता है या विंडोज तो जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है उसमें क्या पाया जाता है मेनू भी पाया जाता है हेल्प भी पाया जाता है सर्च भी पाया जाता है बट विंडोज इसका सही उत्तर सही विशेषता नहीं होगा क्योंकि विंडोज खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इसका कोई लेना देना नहीं होगा तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा विंडोज इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि वर्ड प्रोग्राम आप देखे हैं एमएस वर्ड होती है एक वर्ड प्रोग्राम वर्ड प्रोग्राम में डैश के घटकों में ये शामिल होती है जैसे वर्ड प्रोग्राम में आप जाएंगे तो आपको कहां पर पर टाइटल बार बार रिबन स्टेटस व्यू और डॉक्यूमेंट वर्क वर्क स्पेस स्पेस आपको देखने को मिलेगा वर्ड प्रोग्राम के किस में ब्राउजर में जाएंगे तो देखने को मिलेगा वेबसाइट में जाके जाएंगे तो देखने को मिलेगा या एक्सप्लोरर विंडोज एक्सप्लोरर में जाएंगे तो देखने को मिलेगा या आप जब विंडोज में जाएंगे तब देखने को मिलेगा तो ये जो आपका विंडो वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर है कि वार्ड प्रोग्राम में विंडो के जो घटक है उसमें क्या क्या शामिल है टाइटल वार रिवन स्टेटस वार व्यू और डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके पास कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है जो आइकन होती है जैसे आपका कोई एप्लीकेशन है तो यहाँ पर जो दिखेगा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आपका व्हाट्सएप है तो ये आपका आईकॉन हो गया उस एप्लीकेशन का तो किस चीज का प्रयोग करके आईकॉन को जब भी आप प्रेस करते हैं तो आइकॉन क्या करती है इन्फॉर्मेशन किसको भेजेगा और फिर अपना परफॉर्म करेगा ये आपसे पूछा गया है कि वो अपना इंफॉर्मेशन जी यू आई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भेजेगा या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को भेजेगा या कमांड इंटरफेस को भेजेगा या सिस्टम इंटरफेस को भेजेगा तो किसको भेजेगा अपना वर्क को फंक्शन करने के लिए यह आपसे पूछा जा रहा है तो किसको भेजेगा वो कमांड इंटरफेस को भेजेगा किसको कमांड इंटरफेस को भेजेगा जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन आइकॉन पर अपना कमांड देते हैं इनपुट देते हैं तो वो जो आपका आइकन है वो क्या करेगा जो प्रोग्राम को फंक्शन करना हो जो काम करना हो उसके लिए वो कमांड इंटरफेस को कमांड भेजने के लिए कमांड भेजेगा कमांड इंटरफेस इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जी यू आई का पूर्ण रूप क्या है अभी तक हम लोग अभी, अभी तक हम तीन चार बार बता चुके हैं आपको कि जी यू आई का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जी यू आई का फुल फॉर्म क्या है आशा करते हैं आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा कंप्यूटर से जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा तो चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग पहले से चैनल में है उन लोगों के लिए लो बहुत बहुत धन्यवाद वे लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे सो so देट ये पीडीएफ उनको मिलते रहे और एग्जाम टाइम में रिविजन आप बहुत फास्ट कर सके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या कहलाता है कोई विंडो को हम लोग जब आइकन में सिंक कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि उससे ग्रुप विंडो खोलना कहते हैं विंडो को मिनिमाइज करना कहते हैं विंडो को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या विंडोज को रिस्टोर करना चाहते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर में अपना में कुछ आप डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बना बना रहे है, बना रहे हैं हैं फिर आप क्या करिए ये जो आइकॉन है आपका ये विंडो खुला हुआ है आप उसको क्या कर देंगे सिंक कर देना चाहते हैं विंडो को सिंक करके आप उसको एक आइकॉन में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं तो आप कहाँ पर माउस को दबाते हैं तो यहाँ पर आपका तीन बटन होता है एक होता है मैक्सिमाइज का एक होता है मिनिमाइज का और एक होता है एग्जिट का तो हम लोग डॉक्यू आइकन आइकन में कन्वर्ट करने के लिए उसको विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं और फिर जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग उसको खोलते हैं और फिर मैक्सिमाइज करते हैं और अगर आपको जरूरत ही नहीं है पूरा एप्लीकेशन को ही आपको बंद करना है तो हम लोग एग्जिट पर क्लिक करते हैं किस पर क्लिक करते हैं एग्जिट पर क्लिक करते हैं ये आपको क्लियर हो गया कि विंडो को विंडो को आइकन में बदलने के लिए हम लोग विंडो को क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं और अगर हम लोगों को कोई आइकन दबा करके उसको बहुत पूरा सिस्टम पर आपको देखना है पूरा लैपटॉप में आपको देखना है तो हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमाइज करते हैं क्या करते हैं मैक्सिमाइज करते हैं तो तीन चीज रहता है आपका एकदम राइट साइड में तीन चीज क्या क्या रहता है फिर एक बार बता देते हैं सबसे पहला आपका रहेगा मैक्सिमाइज फिर रहेगा आपका मिनिमाइज और फिर आपका रहेगा एग्जिट जी ये वाला है एग्जिट है ये आपका ये आपका मिनिमाइज है ये आपका मैक्सिमाइज है मैक्सिमाइज पूरा पूर्ण रूप देखने के लिए मिनिमाइज उसको हम लोग छोटा करने के लिए और ये जो कट वाला निशान है ये आपको प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग होने वाली एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कौन सा एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जी यूआई आपका एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है या ड्राइवर आपका ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है कि एप्लीकेशन आपका ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है या विंडोज या आईकोन तो GUI का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो वहीं से आपको पता चलेगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो GUI एक क्या होती है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होती है क्या होती है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है क्या GUI तो यहाँ आपका क्लियर हो गया ये क्वेश्चन का आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग लगभग लगभग ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी के आसपास का क्वेश्चन इस स्लाइड में है तो और चार पांच क्वेश्चन ही बचा हुआ है अब आपसे पूछा जा रहा है कि विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट डैश द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जब आप विंडोज डेस्कटॉप को ओपन करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलता है जैसे आपका एक फोल्डर है यहाँ पर कोई आपका एक फाइल है यहाँ पर कोई आप एप गेम वगैरह है तो आप क्या करते हैं डिफरेंट चीज आपको देखने को मिलता है तो ये जो चीज है इसको आप क्या कहते हैं या सिंपल आप समझे कि जब आप मोबाइल का होम स्क्रीन में आते हैं तो आपको सारा एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है गोल गोल या जो भी आपका मोबाइल का फंक्शन है उसी हिसाब से स्क्रीन सेटिंग है तो यहाँ पर आपको जो चीज देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग सिम्बल्स है, है, कहते हैं ग्राफ कहते हैं लेवल्स कहते हैं ये आइकॉन कहते हैं उसे हम लोग आइकॉन के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं आइकॉन के नाम से जानते हैं उसे हम लोग जैसे आपका मोबाइल में यहाँ व्हाट्सएप दिख रहा है तो ये व्हाट्सअप जो दिख रहा है यहाँ पर खुला हुआ नहीं है बट आपका स्क्रीन में जो दिख रहा है वो क्या आपका आइकॉन है किसका आइकॉन है व्हाट्सएप का आइकॉन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आइकॉन कहते हैं क्या कहते हैं उसको हम लोग आइकॉन कहते हैं चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इसे हम लोग क्या करते हैं फाइल है फोल्डर है तो इसे आप यहाँ से यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो माउस से आप क्या करते हैं तो माउस से, तो एक तो है? तो से हम लोग इसे ड्रैगिंग करते हैं क्या करते हैं माउस से इसे ड्रैगिंग ड्रॉप एंड ड्रैगिंग बोला जाता है जैसे यहाँ से हम लोग उठाए और यहाँ पर हम लोग रख दिए तो हम लोग ड्रॉप के इसके ड्रैग किए फिर आप ड्रॉप किए ड्रैग करके क्या कर दिए ड्रॉप किए ड्रैग करके प्रोसेस को इसको हम हम लोग लोग जब एक को दूसरे जगह पर लेके जाते हैं तो उसे हम लोग ड्रैगिंग के नाम से जानते हैं किसके नाम से ड्रैगिंग के नाम से जानते हैं आई थिंक यह क्वेश्चन आपका खत्म होता है तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा रहा इसी टाइप से जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए डेली बेसिस पर आपको ट्वेंटी से थर्टी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस का सेशन चल रही है जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी साइंस सारा को कवर किया जा रहा है और इसमें खाली हम लोग कंप्यूटर को कवर कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैथ का सेशन भी लेकर आएंगे जो लोग क्या कर रहे हैं सहायक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का एग्जाम तो बहुत नजदीक है अब मैथ का सेशन लाकर कोई बेनिफिट हमको दिख नहीं रहा है बाकी जो आपका बहुत जल्दी हो सकता है उसको कवर करने के लिए कुछ कुछ सेशन आपके लिए अपलोड किया जाएगा डेली बेसिस जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर डनिंग द सेशन